कह रहा हूँ कि अभी तो मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिला है उसमें चोरी कर रही है लोग, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। जिस सपा की सरकार का मुखिया राम जन्मभूमि राम मंदिर के आंदोलन में सैकड़ों राम भक्तों पे गोलियां चलाई, ऐसा है कि मंदिर तुड़वाने में इनका मंदिर को न बनने में इनका हाथ था। यूपी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा फिर अहम हो गया है, जहां अपनी सत्ता को एक बार फिर हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर एक बार फिर इस मुद्दे को गर्मा दिया है। बुधवार को राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वास्तव में ये लोग मंदिर के दान से चोरी कर रहे हैं। माननीय अमित शाह साहब ने चित्रकूट में जाकर ये कहा था कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर बनने से नहीं रोक सकते, जबकि ना अखिलेश मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ना समाजवादी विरोध कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद देश का कोई आदमी विरोध कर रहा है। इसके बावजूद जब कोई गृहमंत्री ये कहते हैं तो मोटिव अल्टीरियर हो गया, केवल चुनावी दृष्टि से कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये कहते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिला है उसमें चोरी कर रही है लोग, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले 80% हिंदुओं का वोट लेने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। राम गोपाल यादव के बयान को हिंदू वोट खींचने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राम गोपाल यादव के बयान पर बीजेपी का कहना है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं वो राम मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे, अगर हिम्मत है तो गंगा जल लेकर मथुरा के मंदिर में जाएं और मथुरा में मंदिर बनवाएं। जिस सपा की सरकार का मुखिया राम जन्मभूमि राम मंदिर के आंदोलन में सैकड़ों राम भक्तों पे गोलियां चलाई, लाशें बिछवा दी, और मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो हम गोलियां चलाने में हिचकिचाएंगे नहीं, अखिलेश जी के राज में दंगे हुए, सनातनियों के ऊपर प्रहार हुआ, अब वो मंदिर जाए अच्छी बात है, अगर है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, उस मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाकर के कि मैं जिस रूप में यहाँ का सनातनी चाहता है वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा, है हिम्मत। राम मंदिर का मुद्दा यूपी चुनावों में अहम रहा है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेता इस राग को अलापने लगते हैं। इस बार मंदिर निर्माण का काम चल ही रहा है, फिर भी पार्टियां इसे वोट बैंक से जोड़ रही हैं। सपा नेता के बयान के बाद बीजेपी हर पुराने इतिहास को एक बार फिर याद दिलाने में जुट गई है। राम गोपाल जी कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश जानता है कि लोग क्या करेंगे, किस प्रकार 1989 में इन लोगों ने राम भक्तों के साथ अत्याचार किया था, गोलियां चलाई थी, तो पूरा देश जानता है। फैजाबाद राम मंदिर आंदोलन का केंद्र रहा है, जहां विधानसभा की 4 सीटें हैं। अयोध्या भी इनमें से एक है, लेकिन 2012 के चुनाव में चारों सीटों पर सपा का कब्जा था, लेकिन 2017 में चारों पर बीजेपी आ गई। हालांकि अयोध्या की सीट छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बीजेपी और राम मंदिर का मुद्दा बहुत प्रभावी नहीं दिखा। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के सहारे समाजवादी पार्टी भी अपने इमेज सुधारने की कोशिश में लगी हुई है।